आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी में। मैं हूं आनंद कुमार, सीजीपीएससी पेपर नंबर 2 एसे राइटिंग। अगर आप देखेंगे तो ये बहुत हद तक एक डायनेमिक सब्जेक्ट है और इसमें स्कोर करना जितना आसान है उतना ही मुश्किल है। आसान ये तब हो जाता है जब आप पूरे साल भर के, यानी कि लगभग साल से डेढ़ साल के, अगर पूरे देश विदेश या फिर छत्तीसगढ़ के इशू से आप अपडेटेड हैं, आपने बहुत अच्छा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करके रखा है, तो ये आसान हो जाता है स्कोर करना। इसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन ये डिफिकल्ट तब हो जाता है जब आप पूरे साल भर के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स आप अपडेटेड नहीं हैं, या फिर आपने इंपॉर्टेंट इशूज के बहुत सारे आंकड़े इकट्ठे नहीं किए हैं, या फिर अगर आपके पास बहुत अच्छा तथ्य नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे अगर आपके पास कोट नहीं है, आपको नहीं पता है कि इसकी भूमिका कैसी होनी चाहिए, आपको नहीं पता है कि इसका इंट्रोडक्शन जो है वो कैसा होना चाहिए, या फिर बॉडी कैसा होना चाहिए, या फिर कंक्लूड आप कैसे कर सकते हो। और बहुत सारे बच्चों में ये समस्या आता है कि एक अच्छा निबंध कैसे लिखा जाता है। तो इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए कंपटीशन कम्युनिटी आप सभी के लिए सीजीपीएससी मेंस पेपर नंबर 2 एसे राइटिंग पर आधारित एक कोर्स लेकर आ रहा है। इस कोर्स में हम आपको बताएंगे कि एक अच्छा उत्तर कैसे लिखा जा सकता है, साथ ही हम आपको बहुत सारे टॉपिक्स भी अवेलेबल कराएंगे और उन्हीं टॉपिक्स पे हम आपको एक अच्छा उत्तर लिखना सिखाएंगे। जैसे अगर मान लो कि छत्तीसगढ़ इशूज पे आप ऐसे लिख रहे हो, तो छत्तीसगढ़ इशूज में आप देखोगे कि पिछले साल डेढ़ साल या फिर 2-3 सालों में छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट का कार्य किस क्षेत्र में चल रहा है, या फिर सरकार ने कौन कौन सा ऐसा कार्य किया है जो कि हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप देखोगे कि छत्तीसगढ़ में टूरिज्म सेक्टर से रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पे कार्य किए गए हैं, तो टूरिज्म सेक्टर से रिलेटेड हो सकता है आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाए। रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड छत्तीसगढ़ में बहुत सारे कार्य किए गए हैं या फिर बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं, तो वहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ट्राइबल से रिलेटेड हर साल एक न एक ऐसे राइटिंग आता है, तो वहाँ पे हो सकता है इससे भी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उसमें जो करंट अफेयर्स के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ना, जो इंपॉर्टेंट आंकड़े होते हैं ना, उसको कैसे आप वहाँ पे जो है इंट्रोड्यूस कर सकते हो, किस तरह से कर सकते हो, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप जब इंट्रोडक्शन लिख रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जब आप कंक्लूड कर रहे हो तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जब आप बीच में आप जब बॉडी लिख रहे हो तो वहाँ पे कहाँ पे गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना है, या फिर कहाँ पे इनके स्कीम्स को क्रिटिसाइज करना है, या फिर कहाँ पे जो चुनौतियाँ हैं उसको किस तरह से प्रेजेंट करना है, या सरकार का पक्ष रखना है तो किस प्रकार से रखना है, ये सारी बातें जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। नेशनल इंटरनेशनल इशूज़ में अगर आप देखोगे तो रशिया यूक्रेन वॉर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारे देश में जो प्रेजेंट टाइम पर सिचुएशंस हैं, चाहे इकॉनमी से रिलेटेड जो भी सिचुएशंस हैं, या फिर जो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट्स के कार्य किए जा रहे हैं, एनवायरमेंट से रिलेटेड जो इश्यूज हो गए, या फिर जिस प्रकार से कोविड के बाद ग्लोबल क्राइसिस चल रहे हैं, जिस प्रकार से इकॉनमी स्लो डाउन चल रहा है, अर्थव्यवस्था का जिस प्रकार से सिचुएशन है प्रेजेंट टाइम पे, तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना बन जाती है और ये सारे क्वेश्चंस जो है वो आंकड़ों पर आधारित होते हैं। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए, ताकि आप एक अच्छा उत्तर लिख सकें, बहुत अच्छा स्कोर कर सकें, बहुत अच्छा वैल्यू एडिशन कर सके, इन्हीं सब बातों को सिखाने के लिए कंपटीशन कम्युनिटी एक कोर्स लेकर आ रहा है जो कि सीजीपीएससी एसे राइटिंग पर आधारित होगा। इस कोर्स के अगर हम फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको लगभग 50 से ज्यादा घंटे के वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल कराए जाएंगे, जिसमें से मान लो 25 घंटे से ज्यादा आपके लाइव क्लासेस होंगे कंपटीशन कम्युनिटी के एप्लीकेशन पर, और 25 घंटे ही आपको यहां पे रिकॉर्डेड क्लासेस भी अवेलेबल कराया जाएगा। बाइलिंगुअल क्लासेस होगा तो दोनों ही मीडियम वाले एस्पिरेंट को यहां पे किसी प्रकार की दुविधा नहीं होगी। लेकिन हां, यहां पे जो आपको मटेरियल अवेलेबल कराया जाएगा, क्योंकि लगभग 60 से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो लगभग डेढ़ साल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उस पर आधारित है, ये आपको सिर्फ हिंदी मीडियम में मिलेगा। एक बुकलेट टाइप का आपको पीडीएफ यहां पे अवेलेबल कराया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको 5 टेस्ट पेपर भी जो कि एसे राइटिंग पर आधारित होगा वो भी इसमें इंक्लूड रहेगा, यानी कि आपको साथ में दिया जाएगा। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड पर टेस्ट होगा। अगर आप घर में बैठकर टेस्ट देना चाहते हैं तो ऑनलाइन माध्यम में दे सकते हैं, अगर आप ऑफलाइन माध्यम में देना चाहते हैं तो राजनांदगांव, दुर्ग, बिलासपुर और रायपुर, ये हमारे ऑफलाइन सेंटर हैं, यहाँ पर आप दे सकते हैं। कब ये टेस्ट देना है आपको शेड्यूल बाद में बताया जाएगा। साथ ही यहाँ पे टॉपर्स के जो आंसर शीट होते हैं हमारे टेस्ट सीरीज के, पिछले 2 सालों के जितने भी टॉपर्स हमारे रहे हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा ऐसे लिखा है, बहुत अच्छा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस किया है, इनके हम आपको आंसर शीट भी उपलब्ध कराएंगे। तो एक कंप्लीट बहुत ही सुंदर पैकेज बनाया गया है। ये क्लासेस मेरे द्वारा संचालित किया जाएंगे, यानी कि आप लोगों को मैं ही पढ़ाऊंगा छत्तीसगढ़ इशूज और इंटरनेशनल, नेशनल इंटरनेशनल इशूज, सारे इशूज पे एक अच्छा उत्तर कैसे लिखें, बेहतर तरीके से कैसे आप आंसर राइटिंग कर सकते हो, कैसे आप बेहतर स्कोर कर सकते हो, तो ये सब कुछ आपको मिलने वाला है। अधिक जानकारी चाहिए तो नीचे जो नंबर दिया हुआ है, स्क्रीन पे भी दिया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, हमारे एप्लीकेशन और वेबसाइट पे भी है, वहाँ कॉल कर ले, सारा डिटेल आपको वहाँ से मिल जाएगा। और हाँ, रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है,
रजिस्ट्रेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एप्लीकेशन पर विजिट करके या वेबसाइट पर विजिट करके आप डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, या हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यह कोर्स शुरू हो रहा है 15 अप्रैल 2023 से, तो देर ना करें। अगर आप एक अभी इस साल मेंस लिखने वाले हैं तो आप जरूर जुड़े, लेकिन हाँ अभी तैयारी करें, बाद में मेंस लिखने वाले हैं अगले साल के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो भी इस कोर्स से जुड़ सकते हैं, ताकि आप पहले से ही बहुत बेहतर तरीके से तैयारी करके जाओ, आपको समझ आए कि किस तरह से एक अच्छा उत्तर लिखा जा सकता है, किस तरह से प्रैक्टिस किया जा सकता है, कैसे वैल्यू एडिशन किया जा सकता है, कैसे अपने आंसर को अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है। बहुत सारे आपको यहाँ पर कोट भी बताया जाएगा, महात्मा गांधी का कोट, स्वामी विवेकानंद का कोट, या फिर बहुत बड़े बड़े जो महापुरुष हैं जिनका कोट आप इस्तेमाल कर सकते हो आप अपने आंसर राइटिंग में एक अट्रैक्टिव उत्तर बनाने के लिए, इस सब के बारे में भी बताया जा सकता है। तो कंपटीशन कम्युनिटी के इस एसी राइटिंग कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमसे ज़रूर जुड़िएगा। नीचे जैसे मैंने बोला कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी जानकारी दे दी गई है, रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है, तो आप इस कोर्स का लाभ जरूर उठाएं एक अच्छा उत्तर लिखने के लिए, एक अच्छा निबंध लिखने के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। Thank you.